हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। पिछले मैच में तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत गया था, लेकिन इस बार ऐसा बहुत कम होगा और पूरी कोशिश है इस बार आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बार 100% आप इंडिया को जीता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि इंडिया फर्स्ट मैच अदर कंट्री में जाकर के हार जाता है, लेकिन जो बाकी के मैचेस हैं वो सीरीज़ बराबर कर लेता है या फिर विन कर लेता है। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार पहले भी हो चुका है। और बांग्लादेश में इंडिया ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हारी है, इससे पहले भी हार चुकी है। इवन बांग्लादेश ने इंडिया को एक बार MST की कप्तानी में भी 2-1 से हराया था अपने घर में ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग्लादेश बहुत बेकार टीम है, अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, कुछ प्लेयर्स हैं उसके, जैसे लिट्टन दास है और मुशफिकुर रहीम है, शकीब अल हसन है, मुस्तफिजुर रहमान है, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं अगर ये अपने पूरे कैलिबर के साथ किसी दिन खेलें तो। तो ऐसा नहीं है कि बेकार टीम है, बट आज फिर हम बांग्लादेश वर्सेज इंडिया के मैच में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और आप चाहते हैं कि आप ग्रैंड लीग विन करो, तो आप अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 20 टीम्स इंडिया के फेवर में। अगर आप इंडिया के फेवर में 20 टीम्स बनाएंगे तो बेटर चांसेस हैं आपके पास। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत ये सोच करके कि बांग्लादेश भी जीत सकती है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप 10-10 के साथ जाइएगा, 10 टीम इंडिया के फेवर में और 10 टीम बांग्लादेश के फेवर में जाइएगा। चलिए फिलहाल मैं आज की इस वीडियो को शुरू कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको, वही सेम चीज रहने वाली है मेरी तरफ से जो हम डिसाइड करते हैं। पिछली बार हमने इंडिया के टॉप ऑर्डर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया था, लेकिन अगर हम 20 टीम्स बनाएंगे तो टॉप ऑर्डर को हम फेल करके और अदर जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलिंग में केवल 3 ही बॉलर्स लेंगे, जाहिर सी बात जो हम लेते आए हैं, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। इनको फिक्स करने के बाद में कुलदीप सेन को ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 बॉलर्स के साथ में ही मैं जाऊंगा, इससे ज़्यादा बॉलर्स मैं चूज़ नहीं करने वाला हूं फिलहाल। इसके बाद यहां से हम शाकिब को लेंगे, बिल्कुल ये एक ऐसा प्लेयर जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मेहंदी हसन मिराज को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और यहां से मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद में से आपकी एक चॉइस होनी चाहिए कि आप किसे ले रहे हो, और एक मैं लूँगा इबादत हुसैन को। इबादत हुसैन के साथ में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर बैटिंग में आते हैं, तो बैटिंग में मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है जो मुझे अच्छा लगता है, वो है लिट्टन दास। तो इस टाइप से 4 प्लेयर्स तो मैंने यहाँ पर इनके परमानेंट चूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कि हम इंडिया के 4 बैट्समैन लेने हैं। अब इंडिया के 4 बैट्समैन कौन कौन से लेंगे, पहली टीम में तो हमारे कोहली, रोहित, धवन ये रहने वाले हैं, और साथ में KL राहुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विकेट कीपर सेक्शन में कोई प्लेयर तो चाहिए। तो हम इन प्लेयर्स के साथ में यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की जो सिलेक्शन करेंगे वो जाहिर सी बात है कि शाकिब अल हसन हमारा एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वाइस कैप्टन का भी, और ये कैप्टनसी का भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं फ़िलहाल इसको वाइस कैप्टन लेकर के चल रहा हूँ इस वाले मैच में। और कैप्टनसी के लिए मैं यहाँ पर इंडिया के किसी बैट्समैन को चूज़ करूँगा, लाइक रोहित शर्मा को। एक टीम हमारी ये बन जाती है। अब नेक्स्ट टीम में मुझे क्या करना है, फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर ही क्या काम कर रहा हूँ, इसके साथ ही इस टीम के साथ में हम थोड़े से अलग कॉम्बिनेशन बना लेंगे। सिराज को और ठाकुर को मैं फ़िक्स करके कुलदीप सेन को मैं चेंज करूंगा यहाँ से। कुलदीप सेन की जगह हम यहाँ पर दीपक चहर को ट्राई करेंगे, और ऐसे ही दीपक चहर की जगह हम यहाँ पर अब ट्राई करेंगे वाशिंगटन सुंदर को। और सेम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जब हम यहाँ से सुंदर को रिप्लेस करेंगे शाहबाज अहमद के साथ में। ये 4 टीम्स हमारी बन चुकी हैं। अब इन 4 टीम्स से ही हमें 20 टीम्स क्रिएट करनी है इंडिया के फेवर में। कैप्टन रोहित शर्मा बनाया है सब टीमों में। अब अगली 4 टीमों में आपको क्या करना है, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना है। रोहित शर्मा को ड्रॉप करके शिखर धवन को लेना है, कोहली को लेना है, और यहाँ से अय्यर को लेना है इस टाइप से। और यहाँ से जो हम कैप्टन करेंगे वो कैप्टन बनाएंगे कोहली को ऑल टीम्स में, क्योंकि अगर रोहित शर्मा फ्लॉप होता है तो कोहली बहुत जल्दी बैटिंग करने आएगा, और जब कोहली बहुत जल्दी बैटिंग करने आएगा तो चांसेस हैं कि वो सेंचुरी स्कोर करके जाएगा। वाइस कैप्टन मेरा ऑल 20 टीम्स में यही रहने वाला है जो मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ से फिर हम रोहित शर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को हमने चूज़ कर लिया है, और ये हमारी जो कंप्लीट टीम है ये बन जाती है। तो हमारी 8 टीम्स बन चुकी हैं, जहाँ शुरू की 4 टीम्स में रोहित शर्मा कैप्टन है और लास्ट की 4 टीम्स में हमने
कोहली को कैप्टन बनाया है। अब इन टीम्स में हमें एक चीज़ और करना है, अब वो ये करना है जो लास्ट की 5 टीम्स हैं, जहां हमने यहां पर धवन को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को ले लेना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो सेम रखने हैं। यानी कि हमने एक ओपनर फिलहाल फ्लॉप कर दिया है। कहने का मतलब ये है, एक टीम हमने बनाई जिसमें हमारे दोनों ओपनर चल रहे हैं, एक टीम हमने बनाई जिसमें हमारा एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है, और दूसरी टीम हमने बनाई जिसमें हमारा दूसरा ओपनर भी फ्लॉप हो रहा है। इस टाइप से हमारे तीन कॉम्बिनेशन अब बन चुके हैं। और अब एक टीम हम बनाएंगे जिसमें हमारा विराट कोहली भी फ्लॉप होगा। अब विराट कोहली कोई भगवान तो है नहीं कि हर मैच में चल जाएगा, पिछले मैच में फ्लॉप हुआ है लेकिन इस मैच में चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन तगड़े रिस्क आप लोगे तभी आप जो ग्रैंड लीग वगैरह है वो जीत सकते हो। तो यहाँ पर आप एक काम करें, कोहली को फ्लॉप कर देंगे हम, धवन को भी हमने फ्लॉप कर दिया है। तो कोहली और धवन के फ्लॉप होने के बाद में कौन सा बैट्समैन एक आपको अच्छा ऑप्शन देगा बैटिंग के लिए? राहुल, रोहित, अय्यर, और राहुल तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं। यहाँ से एक बैटिंग के लिए हम सुंदर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर बैटिंग कर लेता है और सुंदर काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के रूप में सुंदर है और शहबाज अहमद भी है, तो ये टीम मे बी गुड। कैप्टन हम यहाँ पर जब लास्ट की बात है यानी कि धवन और वो फ्लॉप हो जाएंगे, तो रोहित शर्मा के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक अच्छा स्कोर करें, तो यहाँ से हम रोहित शर्मा को कैप्टन करेंगे। इसी टीम में थोड़े से चेंज करने हैं हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ हमने पहले सिराज और ठाकुर ले रखा था, शाहबाज अहमद ले रखा था, अब हम यहाँ शाहबाज अहमद की जगह दीपक चहर और कुलदीप सिंह को ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने सुंदर को यहाँ पर बैटिंग में लिया है, इसलिए ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी हट जाएगी। ये लीजिए, तो यहाँ से हमारे 3 टीम्स का कॉम्बिनेशन बनता है। और ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है जिसमें हम रोहित शर्मा को ड्रॉप करके हैं कोहली, अय्यर और राहुल को ले सकते हैं। तो हम यहाँ से रोहित को ड्रॉप करके कोहली, राहुल और अय्यर के साथ में जा सकते हैं। तो कैप्टन जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा कोहली रहेगा इस टीम के अंदर भी। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस में मैं आपको बेफिक्र होकर बता देता हूँ, मैं यहाँ पर मोस्टली राहुल पर, वो कोहली पर और रोहित पर ही बैट लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स बहुत सही हैं। शाहबाज अहमद को ही रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर भी। इस टाइप से हमारी ये टीम्स बन जाती हैं। अब इसमें एक टीम और बन सकती है, जहां पर हम बॉलिंग फ्रेंडली बनाएंगे, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, भरत हुसैन, हसन महमूद। हमने ऐसे प्लेयर्स लिए जहां से हमने सुंदर और मेहदी मिजाज, शहबाज अहमद और शाकिब रेजा, इनको ले लिया। एक में हमने शिखर धवन को ले लिया और दूसरी टीम में हमने यहाँ पर अय्यर को ले लिया। ये टीम हमारी कंप्लीट बन जाती है। तो इस टाइप से मेरी 20 टीम्स ये बन जाती हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। बाकी फाइनल जो अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पर देता हूँ, पर जिस टाइम ये मैच होगा उस टाइम मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं, तो हो सकता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँ, तो मेरी जो फाइनल टीम्स हैं वही परफेक्ट मानी जाएंगी। जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।